हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाएंगे ईरानी सूप। इसलिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटन, दो प्याज कटी हुई, एक टमाटर और तीन हरी मिर्च बीच में से कटी हुई। फिर हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर एंड 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर। फिर हमें चाहिए हाफ कप भीगा हुआ छोले या चना और घी। सबसे पहले हम कुकर में घी डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और हम डालेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे मटन और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब आप यहाँ चाहे तो हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा तेज़ खाना नहीं पसंद है, इसलिए मैं कम हरी मिर्च डालती हूँ मेरे खाने में। फिर अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा सूप बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब हम इस पे कुकर का लिड लगाएंगे और इसे 3 से 4 विसल या सीटी तक पकाएंगे। 3 से 4 विसल के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे भीगे हुए छोले या चने। इसे हम लिड लगा के फिर से पकाएंगे जब तक चने और हमारे छोले पक ना जाए। ईरानी सूप बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप अगर मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें कि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू।